पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कच्ची आबादी और जिप्त के जो कई इलाकों में तो काम करती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम तो उम्मीद है शाह आलाम में उम्मीद है मिल करके पाकिस्तान प्रेस तो आपको पता है पूरा कराची मसले में हमारे खासतौर पर इलाकों में मसले हम कोशिश कर रहे हैं करने का जिस तरह की आप इस रोड पर खड़े हैं ये कराची इस्तेमाल रोड रमजान करोगे अलहमदिल्ला ये पिछले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी वन टाउन मंगो फिर विन करेगी इंशाल्लाह 16 तारीख को इंशाल्लाह बहुत बड़ा जश्न करेंगे इसी यूसी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के वोटर यहाँ के सपोर्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे और ये जो है सेहरा वैसे आपके सर पे भी आता है क्योंकि आप भी हमारे आवाम की नुमाइंदगी करते हो। बहुत शुक्रिया जी भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ के जो लोग आज इस रैली में शिरकत कर रहे हैं या सारे लोग जिस भी कौम से ताल्लुक रखते हैं पठान बलोच सिंधी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं आपके सामने और आज का रैली इस इलाके के अंदर अपना पावर शो कराएगा और इंशाल्लाह ताला आज इस रैली से हम मुखालफिन को बताएँगे कि ये पीपल्स पार्टी का यूसी ता है और रहेगा इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी के इलेक्शन होंगे और 16 जनवरी को हम इस काम पर खुशियां मनाएंगे अपनी जीत का। जीए भुट्टो जीए आवाम जीवे जीवे पाकिस्तान। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूसी वन मंगोपी टाउन की पहली रैली है। जैसे 15 जनवरी का ऐलान किया गया आज से पहली रैली हमने निकाली है। इंशाल्लाह 15 तारीख को तीर पे ठप्पा लगेगा और पूरा मंगोपी टाउन की 16 की 16 यूसी है और मेरे कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक झेला होगा इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो ये रैली की तादाद अभी ये शुरुआत है अभी इस रैली की शुरुआत है और आप आगे देखोगे जैसे ट्रक चलता जाएगा आपकी कैमरे की आंख दिखाएगी कितना लोग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है आवाम की खिदमत की है कराची वालों की खिदमत की है। इस बार कराची वालों को चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें तीर पे ठप्पा लगाएं और मेरे कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाएं। आज कराची दूसरे रूप पर है क्या शुक्रिया इमरान भाई। जैसे कि आप देखते हैं कि बिलावल जो हमारा चेयरमैन साहब है एक नया क़यादत है और जिस तरह वो कराची में कराची की सियासत में जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में उनका एक नाम है। लेकिन आज मैं इस रैली के हवाले से बताता चलूँ कि ये रैली ये तो एक ट्रेलर है जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आप देखेंगे लोग दर बद लोग
इस रैली में शिरकत करेंगे और ये रैली हजारों की तादाद में अभी से शुरू हो चुका है। ये एक वार्ड की रैली है, जैसे हम अपने और वार्ड्स में जैसे ये रैली पहुंचेगी, मैं समझता हूं कि ये हजारों की तादाद में काफिल पुरजोश है। ये वो पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, ये वो काफिला है जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है। पीपल्स पार्टी को जो लोग कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी को न डिक्टेटर ख़त्म कर सके, न ज़ियाउल हक़ का मार्शला ख़त्म कर सका, न आमिर मुशर्रफ ख़त्म कर सका, क्योंकि इस पीपल्स पार्टी के कारकुनों के पीठ पे लगे हुए घोड़ों के निशाना से तहरीर है। ये पीपल्स पार्टी ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं है। इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को हम अपने इलेक्शन में ना कि माई गाड़ी में बल्कि पूरे कराची में स्वीप करके मेयर कराची इंशाल्लाह ताला एक जियाला होगा।